हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। टैली प्राइम में हम एडिट लॉग वर्जन यूज कर रहे हैं और इसमें हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक क्रेडिट लिमिट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है उसको समझिएगा बहुत गौर से। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप टैली प्राइम यूज करते हैं, ठीक है, और टैली प्राइम यूज कर रहे हैं और क्रेडिट लिमिट आपको सेट करनी है। जैसे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर के आपको बड़ी परेशानी रहती है, वो हमेशा आपसे उधार परचेज करते रहते हैं सामान और आप कुछ कह भी नहीं पाते। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिसके चलते वो 500, 700 या 800 के बाद वो क्रेडिट लिमिट एक्सेप्ट ही ना करे। कुछ ऐसी व्यवस्था अगर हो जाती है तो इसे जो है आपका काफी इससे फायदा होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये चीजें किस तरीके से और किस प्रकार से होंगी टैली प्राइम के एडिट लॉग वर्जन में, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले ये टैली का मेन मेन्यू है, ये तो आप जानते ही हैं, ये टैली का मेन मेन्यू है और ये हमारी कंपनी है इंडियन शॉप। और इसी टैली के मेन मेन्यू में हम काम करेंगे। अभी क्या करना है, सीधा सीधा वाउचर में जाना है, ठीक है। ये वाउचर में आ गए, ठीक है। वाउचर में आने के बाद हम सेल करेंगे, तो जो भी हमारे पास सेल करना है उसे सेल करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, डेट हमें देखनी होगी और यहाँ पर आता है रेफरेंस नंबर। तो जो आपका रेफरेंस नंबर है उसे डाल दीजिए और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 31 मई यहाँ पड़ा हुआ है। अब हमें एक डेटर पार्टी का लेजर चाहिए, तो यहाँ पे बना लेते हैं। जो भी हमारी डेटर पार्टी है जिससे हमें परेशानी ज्यादा हो रही है उनका यहाँ पे एक लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वरुण नाम से एक लेजर मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे ग्रुप क्या रखूंगा इनका, इनका ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो यहाँ से डेटर चूज कीजिएगा, सन्ड्री डेटर आपको चूज करना। तो यहाँ देखिए सन्ड्री डेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटर चूज कर लीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पे देखिए नीचे आपको मिल जाता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, ठीक है। अगर आपके में ऐसा ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से F12 प्रेस करना है और यहाँ दिया हुआ है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, तो यहाँ से आपको इसको यस कर देना है। अगर आपके में ना आ रहा हो तो ऐसा आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यस हो जाएगा तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यस जरूर कर लीजिएगा और कंट्रोल ए कर लीजिएगा, तो यहाँ पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट आपको दिखना शो हो जाएगा। तो क्रेडिट लिमिट हम इनको कितना देंगे, 400 रुपए का देंगे। तो 400 रुपए का देने से क्या मतलब है, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि ओवरराइट क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन, इसको यस कर देते हैं, छोड़ते हैं ऐसे ही, ठीक है, यस कर देते हैं इसको। और यहाँ पर एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पर इस भी डिटेल पे जो डिस्पैच की डिटेल आ रही है इसको भी एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट 400 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स का लेजर, तो ये सेल्स का लेजर लगा लीजिए और यहाँ पर क्या आएगा, उस प्रोडक्ट का नाम आएगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे ये कैच मसाला है या जो भी है पल्स है, ठीक है। हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है अभी, तो हम पहले इसको परचेज करेंगे, देखते हैं क्या अवेलेबल है। जैसे राइस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 किलो राइस इनको देते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 किलो राइस यहाँ पे दे देते हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए 55 रुपये किलो हमने चावल बेच दिया, ठीक है, 2 किलो बेच दिया, तो अभी टोटल कॉस्ट क्या आई, 110 रुपये। पल्स की बात करें तो पल्स हमारे पास नहीं है, और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, पल्स नहीं है यहाँ पर, राइस ही है केवल और शुगर है, तो शुगर ले लेते हैं इस बार, तो शुगर 5 किलो कर देते हैं और 1 किलो की कीमत 275 रुपये हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। और एक बार और कर लेते हैं राइस, यहाँ पे राइस 2 किलो 5 किलो और कर लेते हैं, तो ये 5 किलो कर लिया और ये 55 रुपये के हिसाब से राइस भी कर दिया हमने, तो अभी हो गया 660 रुपये। अब जो है यहाँ पर अभी हम GST नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल दीजिए जो डालना है आपको, ठीक है। द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार में बेचा गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे इस तरीके से। लेकिन ये परेशानी हो जाएगी, तो आप कस्टमर से ये कह सकते हो कि देखिए आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो हम आपको सामान ही नहीं देंगे। तो ये फायदा है आपको क्रेडिट लिमिट सेट करने से, आपको ये फायदा हो जाता है। अब ये कितना भी आप कोशिश करेंगे ना तो इसे आप एक्सेप्ट नहीं करा पाएंगे, जैसे यहाँ पर आए फिर आए फिर आए फिर आए फिर वही दिक्कत आएगी, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना।
ये आपको केवल और केवल जितना क्रेडिट लिमिट सेट किया होगा उसके अंदर ही सामान आप दे सकते हैं, उससे जो है यही चीज कैश हो जाएगा तो कैश की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तो आपने लेजर लगा लिया, लेकिन ये चीज कैश होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैश करके दिखाता हूँ, कैश में चाहे जितना चाहे उतना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर, एंटर, एंटर। यही चीज कैश में करनी है तो ये आपको स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट सेट करने की जरूरत ही नहीं। देखिए तो अगर कैश कोई दे देता है तो सीधा सीधा कैश का लेजर लगा के कर लीजिए, और अगर कैश नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई कर दीजिए कि इससे ज्यादा का सामान हम देंगे ही नहीं, हमारे सिस्टम में ही नहीं लेगा तो हम कैसे देंगे आपको, ठीक है। और इसका फिर यहाँ से बिल प्रिंट हो जाएगा आपका, देखिए जो आपने सेल किया है उसका बिल प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अल्ट पी करके दिखाता हूँ कैसा बिल आपको दिखाई पड़ेगा ये। तो ये देखिए ये यहाँ पे बिल आ चुका है आपका, ये इस तरीके का बिल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। टैली प्राइम के एडिट लॉग में काफी सारी चीजें आसान है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये पीडीएफ में आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है कि हम पीडीएफ में नहीं देखना चाहते इसे, तो यहाँ एक्सपोर्ट करा सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। करेंट इसी को एक्सपोर्ट करना है तो इसको किस में एक्सपोर्ट करना है, आप स्प्रेडशीट में लेके जाना चाहते हो, फाइल फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो वो देख लीजिए। तो यहाँ फाइल फॉर्मेट में आ जाते हैं, कभी कभी ये हमें जेपीजी में चाहिए होता है, ठीक है, या एक्सएमएल में चाहिए होता है, तो एक्सएमएल में भी इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये एक्सएमएल में एक्सपोर्ट होगा तो इसको आप सेव कर लेंगे, और सेव करके फिर आपको जैसी जरूरत हो वैसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ पर तो हमने वरुण पे ये लगाया था, लेकिन क्या कोई अदर हम बनाते हैं और उसमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वहां पर भी ये क्रेडिट लिमिट अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए वापिस आ गए सेल्स में, और यहाँ पर हम 31 मई के ही डेट की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना तो यहाँ पर एक बनाता हूँ मैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मोनू। तो ये मोनू हमारे कस्टमर हैं और ये डेटर पार्टी है हमारी, तो यहाँ पर आ गए और ये संडी डेटर रखेंगे। और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब जैसे वहां पर 400 था, यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ जैसे 200 ही कर देता हूँ, 200 कर दिया कि इनको 200 से ज्यादा का सामान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 कर दिया है, अब यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। फिर यहाँ पर एंटर 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 प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब वो चीजें डालनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राइस था हमारा, तो राइस ही ले लेते हैं, 43 किलो है, तो हम यहाँ पर 30 किलो इसमें सेल कर देते हैं। तो 30 किलो सेल किया तो यहाँ 1650 रुपये का सीधा सीधा राइस हो गया, ठीक है। जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ, जीएसटी की वीडियो ये है नहीं, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आप क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे द गुड्स पूरा आप तैयारी करते हो, यहाँ पे द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब ये तो लिखना ही होता है क्योंकि क्रेडिट पे सेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कह रहा है ना कि इनको 200 से ज्यादा देना ही नहीं है, तो 200 तक दे सकते हैं आप, 200 के बाद नहीं दे सकते। जैसे यही चीज अगर आप 1 किलो 2 किलो लेंगे, जैसे 2 किलो ले लिया तो ये 55 के हिसाब से 110 हुआ, तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा। देखिए ये फिर दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए ये एक्सेप्ट कर गया। लेकिन यही 200 से ज्यादा हो जाएगा, 201 रुपये का भी हो जाए तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी आपको कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब फिर ये हर महीने, अब जैसे इनका जब तक ये बकाया भुगतान नहीं करेंगे तब तक ये जो है नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज कैश में करनी हो तो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो ये फायदा है क्रेडिट लिमिट सेट करने का। उम्मीद करता हूँ टैली की ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।